नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एसलेपियस द गॉड ऑफ मेडिसिन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ना ही प्रोडक्ट के बारे में वीडियो लेके आया हूं, ना ही कंपनी के बारे में वीडियो लेके आया हूं। मैं आज आपके लिए एक ऐसे विषय में वीडियो लेके आया हूँ जिसे आप सुन करके आप खुद सोचने लग जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने बहुत से फिल्मी अभिनेता हैं जो अपने फिल्मी अभिनेता हैं जो बहुत से प्रोडक्ट आप टीवी पे देखते होगे, ऐड देखते होगे उनका, जो प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे अपने अमिताभ बच्चन हो गए, नवरत्न तेल बेचते हैं। अपने सलमान खान हो गए, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, माउंटेन ड्यू का ऐड करते हैं। ऋतिक रोशन हो गए। दोस्तों, ये सब ऐड तो करते हैं और आप जब ये ऐड करते हैं तो इनको देख करके आप इनसे प्रोडक्ट भी लेते हैं, यानी इनका प्रोडक्ट नहीं तो कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते हो आप। जैसे नवरत्न तेल हो गया, नवरत्न तेल का यूज करते हो आप। माउंटेन ड्यू का ऐड करते हैं तो आप उसको भी पीते हो। बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत है, आप जीतते भी होगे। तो सब आप उनको देख करके, यानी जो वो बोलते हैं वो आप करते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी वीडियो पे, यानी इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं हम, कि आपको बहुत से फिल्मी अभिनेताओं ने अपने ऐड के बारे में बताया, आपने देखा और वो प्रोडक्ट आपने यूज भी किया। पर कुछ फिल्मी अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी बातें कही, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी कही। तो जैसे आपने देखा होगा, अपने अक्षय कुमार हैं, वो भी ऐड किया करते थे। विराट कोहली थे, वो भी ऐड किया करते थे। उन्होंने ऐड करना छोड़ दिया। अक्षय कुमार तो खुद आयुर्वेद पे आ गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। और एक ऐसे फिल्मी अभिनेता थे जिन्होंने भी स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। मैंने उनका ये क्लिप देखा, वीडियो क्लिप देखा, तो वास्तव में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसमें आप देखना, अच्छे से समझना, फिर उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साइड में दिए हुए घंटे के निशान पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, इससे फायदा यह होगा कि मैं जो लेटेस्ट वीडियो लेके आऊंगा, अगली वीडियो लेके आऊंगा, उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कुछ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरा खुद का नहीं है। मैंने बस किसी का पोस्ट था, उसको देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है और सुना है मेरे दिल को छू गया। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में भी ये बात रखना चाहता हूं। एक इंसान सारी जिंदगी मेहनत करता है, खुद की जिंदगी जीता नहीं है, बस पैसा 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 कमाता है, जोड़ता है, कहता है कि परिवार के लिए जोड़ रहा हूँ, अपने बुढ़ापे के लिए जोड़ रहा हूँ, दुख के वक्त के लिए जोड़ रहा हूँ, काम करता रहा करता रहा करता रहा, पैसा जोड़ता रहा, करोड़पति अरबपति बन गया। लेकिन एक दिन अचानक जब वो सो रहा था, किसी ने उसका कंबल उठाया और उसने अपनी आंख खोली तो देखा कि सामने यमराज खड़ा है। तो वो सेठ बोला, यमराज जी कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। यमराज जी उसको बोले कि भैया, मैं तो तुमको लेने आया हूं, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तो अचानक बिस्तर से उछल कर बैठ गया। बोले, क्या बोले आप? बोले, मैं आपको लेने आया हूं, आपका वक्त खत्म हो गया है, आपको अब इस दुनिया से जाना है, आपका अंतिम समय आ गया है। तो सेठ घबरा गया, बोले कि यमराज जी, मेरे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, करोड़ों रुपया है, मैं आपको 10 करोड़ रुपया देता हूं, मुझे एक दिन और जीने का वक्त चाहिए। यमराज ने बोला कि नहीं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, चलिए, आपका जाने का वक्त हो गया है। वो सेठ बोला कि मैं आपको 20 करोड़ देता हूं, मुझे शाम तक जीने का वक्त दे दो। उसने बोला, क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो भैया, वक्त आ गया तुम्हारा। सेठ बोला, मेरी सारी दौलत ले लो,
मुझे एक घंटा जीने की मोहलत दे दो। उसने बोला नहीं। बोला मेरा सारा धन दौलत सब कुछ ले लो, एक घंटा। बोले नहीं, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो तुम्हें जाना है। सेठ की आंखें गीली होगी, बोले ठीक है, मेरी आखिरी दरख्वास्त है कि मुझे एक खत लिखने का वक्त दे दो। यमराज थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला ठीक है, जल्दी लिखो और चलो मेरे साथ। सेठ ने खत में लिखा, हे मेरे प्यारे दोस्तों, हम सारी जिंदगी धन दौलत की मारा मारी में लगे रहते हैं, अच्छा वक्त जीते नहीं हैं, भूल जाते हैं कि हमें अपना कुछ वक्त परिवार को देना है, बहनों को देना है, दोस्तों को देना है, भाइयों को देना है, और जब आखिरी वक्त आता है तो जितनी भी दौलत है, जितना भी धन हमने पूरी जिंदगी में जमा किया है, वो धरी की धरी रह जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी, करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी, हम एक सांस खरीद नहीं सकते हैं, एक सांस खरीद नहीं सकते, वो दौलत धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जीवित हो, जियो, खुशी से जियो, अपनी जिंदगी जियो, परिवार के साथ वक्त निभाओ, दोस्तों के साथ अच्छे कर्म करो, सिर्फ धन दौलत माया के लोभ में मत पड़े रहो, क्योंकि कल होना हो, कल होना हो, कल होना हो। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो क्लिप में, हमारे फिल्मी अभिनेता शक्ति कपूर जी ने क्या बात आपको समझाई होगी, क्या आपने इसको सुना होगा और आपने जाना होगा कि इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, ये फैक्ट बात है। बहुत से लोग होते हैं जो बड़ा बड़ा बिजनेस करते रहते हैं, अमेरिका में पढ़े हैं, विदेशों में पढ़े हैं, बहुत रुपए कमा रहे हैं, पर जब उनकी हेल्थ की ओर देखा जाए ना अपन, तो वो उनका शरीर डगमगा रहता है, मतलब वो अनेकों प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ से अपना बिजनेस करके बहुत अच्छी इनकम कर ली, बहुत ज्यादा आपने रुपए कमा लिए, और आप रुपए कमा रहे हो, करोड़पति बन रहे हो, अरबपति बन रहे हो, लाखपति बन रहे हो, यानी आपके पास बहुत रुपए हैं। और जब आपकी स्वास्थ्य यानी आपकी जब सेहत ठीक नहीं है, तो वो आपके रुपए कुछ काम के नहीं है। जैसा कि इस वीडियो क्लिप में बताया था, शक्ति कपूर जी ने बताया था कि ऐसे ऐसे लोग कमा रहे थे, रुपए कमा रहा था, वो इतने रुपए कमा लिए थे, और रात को जब सो रहा था तो आपको पता है क्या हुआ? तो ऐसे रुपए किस काम का जो अपने काम ही नहीं आए। और सभी सही बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ इंडिया इज वेल्थ इंडिया। और मैं आपको बता दूं कि हम वही काम कर रहे हैं, जब हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ किस काम की। और हमारे पास भी जो प्रोडक्ट है वो सभी फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और जो अपने सभी स्वास्थ्य संबंधित है। आप यहाँ पे हेल्थ संबंधित प्रोडक्ट लोगों को देख करके एक अच्छी वेल्थ कमा सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करने से फायदा यह होगा कि बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, अपनी सेहत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और उनका पता भी नहीं कब वो मौत उनकी आ जाए, कब वो परलोक सिधार जाए, और वो उनका रुपया वहीं पे वहीं धरा रह जाता है, यानी वो उनका रुपया कुछ काम का नहीं रहता है। तो दोस्तों, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे लोगों को पता लगे। और हेल्थी रहने के लिए आप हमारी कंपनी एशली प्लस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते रहिए, जिनका बहुत ही दमदार रिजल्ट है दोस्तों, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। बहुत से लोगों को हमने यहाँ से ठीक किया है जो मौत के मुंह में जा चुके थे, वहां से हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेद कंपनी, हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट से वो लोग ठीक हो चुके हैं। सो थैंक यू दोस्तों, दिस इज अजय सिंह यादव साइनिंग आउट।